फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज पद्मनी फ्रॉम पद्मनी रिंकेश चैनल। सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स आज मैं लगी हूँ हेयर रिलेटेड वीडियो बहुत दिनों के बाद। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और घंटी को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले यूट्यूब की तरफ से, और मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप देख सकें। सो फ्रेंड्स आजकल बालों की हर किसी को प्रॉब्लम है, ग्रे हेयर की, बालों का झड़ना या फिर बालों का ड्राई हो जाना, मतलब रूखे सूखे झाड़ू जैसे हो जाना, दो मुँह बाल होना या फिर ग्रो नहीं करना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हर किसी को आ रही है। सो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं नेचुरली कुछ हेयर रेमेडी अप्लाई करके, जो कि बहुत नेचुरल होते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होती है, और उससे हमारे बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगी बल्कि फ़ायदा होगी, और हमारे बालों की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स सभी को चाहत होती है कि हमारे बाल एकदम काले हो, लंबे हो, घने हो, एकदम सिल्की हो, शाइनियर हो, लेकिन होती नहीं है क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर केमिकल बेस्ड क्रीम वगैरह, हेयर कंडीशनर, हेयर शैम्पूस यूज करते हैं। इसके वजह से हमारे जो हेयर हैं, बाल हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और टूटते रहते हैं। सो सबसे बढ़िया है अगर हम बालों में तेल मालिश करें तो फिर से वो हमारे बालों में जान आ सकती है और हमारे बालों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। सो इसके लिए पहली जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने लिया है वो है भृंगराज ऑयल। भृंगराज ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें होती है कुछ एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जो कि रिड्यूस करते हैं, पहली बात जो है वो डैंड्रफ, और ये ऑयल जो है यानी तेल, इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि स्किन इरिटेशन से आपको बचाती है, स्काल्प को हील करती है, और साथ ही नए बाल उगते हैं और आपके जो बालों का झड़ना है वो कम हो जाती है। सो सेकेंड मैंने इसमें ऐड किया मेथी ऑयल, जो कि घर में बना हुआ है, और कोकोनट ऑयल में मिक्स करके बना हुआ है। तो अगर फेनुग्रीक सीड यानी मेथी और कोकोनट ऑयल जब मिक्स हो जाते हैं उसकी बेनिफिट बहुत ही बढ़िया होती है। ये बालों को स्मूथनेस देती है, साथ ही बालों को ग्रो करने में मदद करती है, ग्रे हेयर को रिवर्स करती है, और आपके बालों को एकदम स्मूथ शाइनर बना कर रखती है, बालों का बढ़ना चालू कर देती है। सो नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड किया आमला ऑयल, जो कि वो भी घर में बनाया हुआ है, नेचुरल है एकदम से कोकोनट ऑयल में। और फ्रेंड नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है एलोवेरा जेल। आपको पता ही होगा एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बालों को स्मूथनेस देती है, ग्रे हेयर को रिवर्स करती है, बालों को काले करती है, और आमला बालों की ग्रोथ बढ़ाती है, बालों को हेल्दियर बनाती है, साथ ही ग्रो बढ़ाती है और काले भी करती है। नेक्स्ट, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सबसे जो बेस्ट इंग्रेडिएंट है वो है इंडिगो पाउडर, जो कि ग्रे हेयर को ब्लॉक करेगी इंस्टेंटली। सो फ्रेंड्स ये जो कॉम्बिनेशन है इंग्रेडिएंट्स की बहुत ही बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव है बालों को काले करने के लिए, साथ ही बालों की झड़ना कम करने के लिए और बालों को फिर से ग्रोथ देने के लिए। सो इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें, एक चम्मच करके मैंने लिया है, और इंडिगो पाउडर को छोटी चम्मच में एक चम्मच फूल लिया है। सो उसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर अपने बालों में अच्छे से बालों की जड़ों में उसे मसाज कर लें, और सिर्फ 30 से 45 मिनट्स आप उससे बालों में रहने दें और बालों को धो लें। लेकिन आपको उस वक्त शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ सादे पानी से धोना है ताकि इसकी जो गुड़नेस है वो बालों में जड़ों तक जाए और ये अपना काम कर सके, आपके ग्रे हेयर को फिर से ब्लॉक कर सके और हेल्दी बना सके और जड़ से मजबूत बना सके। सो फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव है, नेचुरल है और घर में बनाया हुआ है। सो उसे 30 से 45 मिनट्स बालों में रहने दें और आपके बालों को सादे पानी से धो लें। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से कोई भी ऑयल मसाज करके आप बालों को शैम्पू कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से इसे एटलीस्ट वीक में दो बार अप्लाई करें और फिर फर्क देखें, आपको खुद नज़र आएगी। बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही बढ़िया है आपके बालों को सही दिशा देने में, यानी ग्रो कराने में और ग्रे हेयर को ब्लॉक कराने में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू all.